घुट घुट कर जी रहे थे रेंगल में जिंदगी, एनर्जी ड्रिंक तक पिया नहीं। बोटनी की कसम भाई, ऐसा खतरनाक चैलेंज आज तक हमने कभी किया नहीं। चमकाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे BGMI वाले भाइयो। तो भाइयो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ट्रेल चैलेंज। अब आप में से बहुतों को नहीं पता हुआ कि ये क्या चीज है, तो आपको बता दूं भाई, जब आप 7 डिनर कंटिन्यू कर लेते हो तो आपको एक ट्रॉफी मिलती है। और ये चैलेंज जो आपको करना होगा भाई, ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसमें आपकी जान जा सकती है भैया रेंगल में। क्यों भाई किलचोर, ऐसा क्या इसमें, क्यों डरा रहे हो भाई? अगर सब कुछ पहले बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पूरी गेम प्ले देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको इतना बता दूं कि अगर हम ये चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो ड्रैगन आएगा और जितने भी रेंगल में एनिमी है ना भाई, सभी को टपका देगा और हमें मिलेगा डिनर। तो फाइनली हमने यहाँ पर ट्रॉफी लगा दी थी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रॉफी कैसे मिलेगी और ये जो आपको लोकेशन मैप में दिखाई दे रही है जहाँ पर आपको ये ट्रॉफी लगानी है, ये सब कैसे मिलेगा, तो जब आप 7 कंटिन्यू डिनर करोगे ना तो तभी आपको ये ट्रॉफी मिलेगी और तभी आपको रेंगल में ये 3 लोकेशन दिखाई देगी जहां पर आपको 2 मिनट के अंदर जाकर ट्रॉफी लगानी है। अब आप सोच रहे हो कि हम लूट क्यों नहीं कर रहे भाई पहले। भाई लूट करने का टाइम ही नहीं है, 2 मिनट के अंदर हमें वो ट्रॉफी लगानी थी। अगर 2 मिनट हो जाती और हम लूट करते रह जाते तो भैया हमें जो है ट्रॉफी लगाने का मौका ही नहीं मिलता। और ये जो बॉल है ये हमें इकट्ठा करनी है। अभी पहले हमें जो है 4 बॉल दिखाई दे रही थी और ये 5 मिनट का टाइम कुछ पहले मिला था हमें, जिसमें हमें जो है ये बॉल इकट्ठा करनी थी। अगर ये मिनट निकल जाती ना तो ये बॉल गायब हो जाती। अभी जो है हम मोड के पास आ रहे थे कुछ बॉल इकट्ठा करके, इसलिए आ रहे थे ताकि हमें ऑटो रिकॉल मिल जाए और अगर हम कहीं भी टपक जाते हैं तो ऑटो रिकॉल हो जाएगा भाई। लेकिन हम थे बाइक पर और बाइक यहाँ पर अटक चुकी थी, बंदों को भी हमारी लोकेशन पता चल चुकी थी। और जिसके पास ये 4 बॉल है ना भाई, उसकी लोकेशन मैप में दिखाई देती है। पूरा का पूरा जो रेंगल है, जितने भी एनिमी है, सभी को हमारी लोकेशन ऐसे पता थी जैसे सभी रेंगल के अब हैकर हो गए और भाई हमारे पीछे पड़ जाते हैं सभी के सभी। अभी फिलहाल जो है हमारे पास बॉल थी 4 और 1-2 जो है शायद पीहू के पास थी और ये पीहू वाली आईडी से भाई रिसव था, तो हम यहाँ से निकल गए थे। हमें तो ऑटो रिकॉल मिल गया था, लेकिन जैसे ही पवन और पीहू निकल रहे थे, मतलब भैया दूसरी 3rd नंबर पे जो आईडी है उससे पवन था, न्यूनेक्स पवन, और पीहू की आईडी से रिसव था, तो अभी रिसव को तो टपका दिया था लेकिन हमें इसे देना था रिकॉल। और जो इसके पास बॉल थी वो वहीं पर गिरी रह गई थी। भाई एक तरीके से बोल नहीं, ये एक महासंकट है। आप अगर इसे उठाओगे तो ये समझ लेना आपके सर पर जो है मौत तांडव करेगी भाई, क्योंकि जो भी इस बोल को उठाएगा उसकी लोकेशन तो सभी को पता चलती रहेगी। कैसे वो बताऊंगा। अभी हमारी जो है 2 बोल तो चोरी हो चुकी थी, लेकिन हमें भैया उसका ज्यादा गम नहीं था क्योंकि उसे तो हम ढूंढ लेंगे भाई, उस बंदे को। अभी तो बॉल जो है वहीं पर गिरी हुई थी, लेकिन अभी जो है कुछ देर के बाद उनको कोई उठा लेता है। लेकिन उससे पहले हमें जो है कुछ और बॉल इकट्ठा करनी थी और इसका टाइम भी भाई अभी था, अभी 8 मिनट थी हमारे पास, तो इसके अंदर हमें जो है सभी के सभी बॉल इकट्ठा करनी थी। अभी जो है टाइम बढ़ता जा रहा था, कभी कम हो रहा था, क्योंकि भैया इसमें ना कुछ लेवल होते हैं कि इतनी मिनट में आपको पहले ये उठाना फिर ये उठाना। और अभी देख सकते हो मैप में जो एक रेड रेड डॉट है, अभी ये क्या चीज है बता दूं भाई, जिसने भी इस बॉल को उठाया है उसकी लोकेशन है ये। हमारे पास भी बॉल थी तो हमारी भी लोकेशन थी बंदों के पास, और यही देखकर यहाँ पर एक स्क्वाड हमला कर देती है। और हम सिर्फ 2 थे, हमारे पास लूट भी अच्छी नहीं थी। अरे यार लास्ट बचा, लास्ट बचा, आ जा, रिवाइव दे रहे हैं मेरे पास ही रिवाइव दे रहे हैं। अरे नाइस, अब यहाँ पर रिसो रिकॉल हो चुका था तो बच गए भाई। 2 को डिवाइन ने नॉक कर दिया था और 1 को जो है रिसो टपका देता है, तो फाइनली यहाँ पर तो हम बच गए। अब ये बंदे हमारे पीछे पड़े क्यों है भाई, क्योंकि इनको जो है हमारी लोकेशन भी दिखाई दे रही है रेंगल में, और अगर ये हमें ना रोक पाए तो भाई हम जो है ड्रैगन को बुलाएंगे और फिर रेंगल में चाहे 50 बंदे हो भाई ड्रैगन आएगा, सभी को टपका देगा और डिनर मिलेगा हमें। तो अभी जिसके पास बॉल थी उसकी लोकेशन देखो हमें पता चल चुकी थी, ये जो है पोचिंकी में था, तो हमें जाना था अभी फिलहाल पोचिंकी में अपनी 2 बॉल वापिस लेने के लिए। और यही सबसे हार्ड चैलेंज है भाई, इसमें अगर एनिमी हमारी बॉल लेकर भाग जाता है तो हमें उसके मुंह से जो है बॉल छीन कर लेकर आनी पड़ती है। ऊपर से हमारे पास लूट नहीं होती क्योंकि लूट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता भाई,
टाइम ही इतना मिलता है कि भाई उसमें हमें बॉल भी इकट्ठा करनी होती है और जाना भी होता है। अब हम यहाँ पर जैसे ही आए भाई पूरी की पूरी स्क्वाड थी और इन्होंने मुझे मार दिया। मेरे पास भाई चार बॉल थी और चार की चार यहीं रह गई। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या होगा, तो भाई ऑटो रिकॉल होगा, मेरे पास ऑटो रिकॉल था और मैं फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर जो बहुत सारे बंदे आ गए थे देख रहे हो भाई, नीचे डोरीमोन की कितनी सारी गाड़ी आई हुई है, चर्च पे भी बंदे थे, पोचिंग के भी बंदे थे, हर जगह बंदे थे, लेकिन हमें यहाँ पर फाइट नहीं लेनी थी, हमें बस अपनी बॉल लेकर यहाँ से निकलना था। और आप अभी भी मैप में देख सकते हो रेड डॉट दिख रही है, तो इस बंदे के पास हमारी जो है बाकी की बॉल थी। तो यार ये वाला चैलेंज ना आपको सबसे बहुत ज्यादा हार्ड है। सबसे पहले तो आपको जो है 7 डिनर कंटिन्यू करने होते हैं, उसके बाद ही आपको ट्रॉफी मिलेगी। फिर आपको ट्रॉफी ऐसे यूज करने से आपकी लोकेशन सभी को भाई पूरा रेंगल आपको रोकेगा, तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। और इससे आपको एक टाइटल भी मिलेगा लीजेंडरी टीम का, तो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जो है डीवाई ने बॉल तो उठा ली थी, लेकिन इसको जो है किसने नोक कर दिया था और उसको जो है पॉन टपका देता है। अब डीवाई मुझे बोल रहा था कि बॉल लेकर तुम चले जाओ, मुझे मरने दो, लेकिन नहीं भाई ऐसे कैसे मरने दे, अब यहाँ से बॉल भी लेंगे और बचा कर निकलेंगे भी। अब दो बॉल को तो पवन ने बोल दिया था कि उसको तो मैं ले लूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो भी फिलहाल मुझे यहाँ से ये बॉल लेकर और निकलना था मिलिट्री बेस भाई, जो कि सर्कल से ही बाहर था, तो हमें आज जोन में जाना था। हेल्थ भी ज्यादा नहीं थी। अब फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेता हूँ, अगर एनिमी को भैया हम दिख गए ना तो सच में बड़ा खतरनाक गंदा मारेगा। अब मेरी लोकेशन भी औरों को दिख रही थी यहाँ पर मैप में, तो सभी देखो भाई कैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं भाई ये बॉल इकट्ठा करने के लिए। अब ये सही पड़े हैं भाई पीछे, अगर पीछे नहीं पड़ेंगे तो मैं ड्रैगन के पास जाऊंगा, फिर ड्रैगन चच्चा इनकी भैया ऐसी की तैसी कर देगा, पूरे रेंगल को खत्म कर देगा। तो फिलहाल दो बॉल जो है पवन ने उठा ली थी और हमें जो है अब सभी की सभी बॉल दिखाई दे रही थी। तो अब जो है अगर किसी ने हमें टपका कर बॉल ले लेना तो फिर से भैया पूरा चैलेंज खराब। तो मुझे जो है पानी से निकलना था, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे भाई, ड्रैगन चच्चा को बुलाएंगे और सभी को टपका देंगे। अब आप में से ये बताओ कौन कौन इस चैलेंज को कंप्लीट करना चाहता है। अब किसी को अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर से बता दूं, आपको जो है पहले 7 डिनर करने होंगे इरेंगल में इसी मोड में कंटिन्यू, और फिर आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, और ट्रॉफी आपको पहले यूज करनी होगी 2 मिनट के अंदर। जब आप उतरोगे तो आपको 3 लोकेशन मैप में दिखाई देगी, उसके बाद जो है आपको बॉल की लोकेशन दिखाई देगी, आपको बॉल ढूंढ, जब आप 4 बॉल ढूंढ लोगे आपके पास बॉल हो जाएगी तो आपकी लोकेशन जो है बंदों को पता चल जाएगी। तो आपको एक जगह तो रुकना ही नहीं, आपको भागते रहना कहीं ना कहीं, और फिर जो है जब सभी की सभी बॉल हो जाए तो आपको इस ड्रैगन के पास आना है जब आपको टाइम मिलेगा। और अभी देखो मेरे पास सिर्फ 3 मिनट थी, तो 3 मिनट के अंदर लगाना था। मैंने जैसे ही बॉल लगाई भाई कुछ इस तरह का एनिमेशन आया और जितने भी रेंगल में बंदे थे भाई, जितने भी बचे हुए थे, सभी को ये ड्रैगन टपका देगा और हम जीत जाएंगे। देख रहे हो भाई, भाई कसम से ये वाला चैलेंज करने में ना हमारी बैंड बज गई है भाई। कॉन्करर में भी ऐसी इंटेंस सिचुएशन नहीं होती जो इसमें थी। इसमें तो बस ये था कि नहीं भाई बॉल लेकर हमें भागना है यहाँ से, 9-2-11 होना, बंदे गए भाड़ में, सभी के सभी हमें रोक रहे थे। तो अभी जो है फिलहाल पूरा रेंगल खत्म हो चुका था, देख सकते हो भाई कैसे पीछे से सभी बिल्डिंगें टूट फूट चुकी है और हम चारों बच गए, लेकिन पीबू टपक गई थी भाई, ये रिसव था तो टपक गया था ये। और यहाँ पर जो है मेरा ये अचीवमेंट भी कंप्लीट हो गया था और मुझे यहाँ से टाइटल भी मिल गया था जो कि था लीजेंडरी टीम का। तो फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर हमें ये टाइटल मिल गया जो कि परमानेंट है लीजेंडरी टीम, और ये भी शायद एक रेयर टाइटल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है इस चैलेंज को करना, और जो भी इस चैलेंज को करेगा भाई अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल कुछ दिन के बाद सभी को पता चल जाएगा तो सभी इसके पीछे पड़ जाएंगे। मजा आ गया भाई, अगर आपको भी मजा आया हो तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताओ।